भिखारिन। अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और विनती किया करती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने वाले दो चार पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। बुढ़िया उनको अनेक दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा सा अनाज डाल जाया करती। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की राह पकड़ती। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही 10 वर्ष का एक लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। वह टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया है, इस बात से कोई परिचित न था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका माथा चूम चूम कर उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा उसके पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। बुढ़िया ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी, जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती, ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था। उससे काम चलाती, पहले बच्चे को भरपेट खिलाती फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। उसके पास काफी रुपए हो गए थे, जिससे हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसको चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ बनारसी दास की कोठी पर जा पहुंची। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देव भक्त और धर्मात्मा थे। अंधी ने हांडी सेठ जी के आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहां रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है। अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठा किए हैं, अपने पास रखती डरती हूं, कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर देखते हुए कहा, बही में जमा कर लो। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। अंधी गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। बोली, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए, मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी वहीं पर जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुणगान करूंगी। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं। अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके कहा, अच्छा भगवान आपको बहुत दें, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था, बल्कि एक बुढ़िया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बहुत चिंताजनक हो गई तथा प्राणों के लाले पड़ गए।
उसके जीवन से बुढ़िया भी निराश हो गई। सेठ जी के अनुचित व्यवहार पर उसे रह रहकर क्रोध आता था। सोचती, इतना धनी व्यक्ति है, दो चार रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और बुढ़िया का कलेजा भी। सेठ जी पधारे। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी सूरत उनके मोहन से मिलती जुलती है। उन्हें स्मरण हो आया कि 7 वर्ष पूर्व जब मोहन किसी मेले में खो गया था तब उसकी जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने बुढ़िया के गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसे छीनकर कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने ठहाका लगाया, बच्चा तुम्हारा है इसलिए लाख यत्न करके उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह तो अन्याय है, इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसे पाला है, मैं उसको अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने अपना जादू का प्रभाव दिखाया, मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, मां। चारों ओर अपरिचित चेहरे देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। सहसा सेठ जी को बुढ़िया का ध्यान आया। उन्होंने फिटन तैयार करवाई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। वे अंदर गए। अंदर पहुंचकर सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, रह रह कर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। ममता ने बुढ़िया को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फेटन पर बैठा दिया। फेटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर बुढ़िया को उतारा और अंदर ले गए और जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी मां का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, मां तुम आ गई? मां ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हां बेटा, तुम्हें छोड़कर कहां जा सकती हूं। वह मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसी गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर बुढ़िया ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। उन्होंने रुपयों की एक थैली उसके हाथों में दे दी।
उसने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी लाठी टेकती हुई चल दी। रवींद्रनाथ टैगोर।